टेक। आज हमारे सामने है हीरो की एक्सट्रीम 125R, अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी। तो इसका आज हम जो है ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं कि चलने में कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, एवरेज कैसा है, कंफर्ट कैसा है, ब्रेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, सस्पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, इनिशियल पिकअप के बारे में बात करने वाले हैं, मिड के बारे में बात करने वाले हैं, टॉप एंड की भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। मतलब आप समझो ओवरऑल हम जो है डिटेल में इस गाड़ी की हम ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। तो यस, दिस इज़ द टॉपेज वेरियंट ऑफ एक्सट्रीम। जो दो ही वेरियंट एक्सट्रीम में देखने मिलते हैं, एक है टॉप ऑफ द लाइन ABS और जो बेस वेरियंट है उसकी IBS। तो हमारे सामने है ABS वाले वेरियंट, मतलब आप कहने का ये तात्पर्य है कि ये अपने पास टॉप ऑफ द लाइन है। कुछ इस टाइप की आपको नज़र आने वाली है। इसमें 3 कलर जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप के कुछ देखने मिलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू संजय ऑटो व्हील्स जो कि हमको गाड़ी प्रोवाइड किए रिव्यू के लिए। अगर हीरो के किसी भी प्रोडक्ट से इंक्वायरी लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन नंबर चल रहा है उसमें जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं ड्राइव रिव्यू को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ बैठते हो तो आपको कुछ इस टाइप की जो पोस्चर है वो देखने मिलती है। फ्रंट में कुछ इस टाइप की विजिबिलिटी आपको नज़र आने वाली है। ग्रैब हैंडल्स की बात करें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब कंफर्ट आपको देखने को मिलता है। और एक चीज़ जैसे 125R थोड़ा हेवी जो बॉडी है वो देखने को मिलता है, लेकिन एज सच ये कुछ ऐसा वेटी व्हीकल टाइप का नहीं लगेगा। मतलब नॉर्मल जैसा 125 आती है वैसी लगती है, थोड़ी क्या बल्कि ऐसा लगती है, लेकिन इतनी वेट आपको जो है देखने को फील नहीं होता, मतलब जो आप फील करते हो। उसके बाद क्लस्टर कुछ स्टेप की नज़र आती है। कीज़ आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, हैजार्ड वगैरह के बटन्स, हॉर्न्स वगैरह की। यहाँ से किल स्विच, यहाँ पासिंग वासिंग जो हैजार्ड है वो देखने मिलते हैं। हॉर्न की बात करते हैं, ऐसा कुछ हॉर्न देखने मिलता है। एक बार इसको रेव, एक बार सेल्फ स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल में कुछ आपको स्टेप की देखने को मिलती है। तो यहाँ गियर इंडिकेटर्स, फ्यूल अभी रिजर्व है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट गियर हमने इंस्टॉल कर दिया, थोड़ा सा रेव करते हैं, देन लॉन्च करते हैं। इनिशियली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। फ्रंट ब्रेक्स इज एब्सोल्युटली ग्रेट, मतलब फ्रंट ब्रेक जैसे मैंने अभी अप्लाई किया, रियर का ब्रेक अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ ABS है काफ़ी बढ़िया से जो है कंट्रोल कर रही है। अभी जो है थर्ड गियर पे, अब इसको हम रेव करते हैं। तो थर्ड गियर में देखते हैं भाई कितना जाता है ये टॉप ऑफ द लाइन। तो 78 टॉप 82 जो है मैक्स ये थर्ड गियर पे जो है जाती है। तो यहाँ ब्रेकर्स हैं, जैसे फ्रंट ब्रेक ही मैंने अप्लाई किया तो यहाँ ब्रेक देख सकते हो काफ़ी, मतलब यहाँ सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इनिशियली सो डैम गुड, मिड भी काफ़ी बढ़िया, जैसे अभी देख सकते हो मैंने थ्रॉटल रिलीज किया था, थ्रॉटल दे रहा हूँ। तो 125cc के हिसाब से यहाँ काफ़ी बढ़िया जो, और टॉप एंड की बात करें थोड़ी सी क्या है, हम थोड़ा भगा के देखते हैं गाड़ी को क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। देखो मैंने ब्रेक अप्लाई किया, फिर एक थ्रॉटल दे रहा हूँ, तो एज सच मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया जो है देखने को मिलता है। यहाँ थोड़ी लिटिल पीपल्स जो है मिल रहे हैं, बाकी डाउन शिफ्ट और अपर शिफ्ट में कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आ रहा है। काफ़ी स्मूथली जो है शिफ्ट हो जा रही है यहाँ पे। बाकी सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन इज़ सो डैम गुड। जैसे मैंने अभी कच्चे सड़कों में भी चलाया रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, तो काफ़ी बढ़िया है। जो छोटे मोटे बम्प्स हैं उसको काफ़ी अच्छे से जो है एब्जॉर्ब करती है। और इसके एवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी क्लेम कर रही है ARI वो 66 की है, लेकिन जो रियल लाइफ जो एवरेज है ऑनर से जिनसे मिला उन्होंने हमें बताया कि 60 प्लस या 60 तक आपको जो है मैक्स ये एवरेज देती है, उससे नीचे आपकी जाती नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है 125 के हिसाब से जो आपको एवरेज देखने को मिलता है ओवरऑल, जो सिटी ट्रैफिक हाईवे ओवरऑल उन्होंने बताया। बाकी हम एक बार रियर ब्रेक की अप्लाई करते हैं, 65 में अभी स्पीड है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है रियर ब्रेक भी, काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया देखने को मिलता है। पीछे आपको जो है ड्रम देखने को मिलती है, फ्रंट में आपको डिस्क जो है देखने को मिलता है, लेकिन उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़िया देखने को मिलता है। क्लच भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्मूथ जो है देखने को मिलता है। सेकेंड गियर 57 जाती है, थर्ड पे मैंने बताया 82, ये अपनी 100 प्लस जा चुकी है 102, फोर्थ गियर पे 104 ऐसे जा रही है। फिफ्थ अप्लाई करते हैं, अब
वाओ, सो क्रेजी पावो मैन। यहाँ पे जैसे ब्रेकर वगैरह हाई स्पीड में, मुझे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है चलाने में। काफ़ी मतलब इजी टू हैंडल जो मोटरसाइकिल है आपको देखने को मिलता है। मतलब ऐसे मेरे को यहाँ पे कोई सी भी शिकायत आपको देखने को नहीं मिल रही, मतलब यहाँ पे कोई सी भी शिकायत आपको देखने को नहीं मिलती। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एम आई डी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छे से जो है देखने को मिल जाते हैं। और इसके जो हैंडलिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब जैसे आप सिटीज़ में भी चलाओगे ना, आपको 125 के हिसाब से आपको टर्निंग लेने में या सिटी में बम्पर टू बम्पर जब चलाओगे तो आपको उसमें भी कोई इशू होने नहीं वाली। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया देखने को मिलता है। बाकी इनिशियल भी अच्छा है, मिड रेंज भी अच्छा है, टॉप एंड भी काफ़ी ज़्यादा पावर डिलीवरी जो देखने को मिलती है। चलो इतना ही हम बात करें, पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंजन स्पेक्स की बात करें, 124.7 सीसी की जो है इंजन देखने को मिलती है। उसके साथ अगर इसके पावर डिलीवरी की बात की जाए, 11.55 PS जो पावर है वो जनरेट करती है और 10.5 N का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करके देती है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़िया देखने को मिलता है। मतलब इस मोटरसाइकिल को मेरे को चलाने में कोई सी भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसके जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको यहाँ कैमरा में जज नहीं हो पा रहा होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। सीटिंग पोस्चर की बात करें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली आप यहाँ पे बैठ सकते हो। जैसे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ कंफर्टेबली मैंने बैठा है। फुटरेस्ट वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। ब्रेक्स की जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। गियर्स जो है आपको बढ़िया देखने मिलते हैं। मतलब शिफ्टिंग के तरफ कोई भी आपको इशू होने नहीं वाली। काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्मूथ शिफ्टिंग जो है देखने को मिलती है। काफ़ी यहाँ पे बढ़िया देखने को मिलता है। ब्रेकिंग ऑल्सो सो गुड यार। सो ये जो प्रोडक्ट है हीरो के थ्रू काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। अब एक बार इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट गियर पे पहले रेव करते हैं। यहाँ पे आंटी लोगों ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया हमें, लेकिन फिर से हम जो है थर्ड गियर पे इसको लॉन्च कर रहे हैं। सो थोड़ी सी यहाँ जो है पब्लिक वाली एरिया है तो इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, मतलब ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलाएंगे हम इसको। जैसे सिटी ट्रैफिक में भी काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है। सो ऐसा कुछ आपको पूरी ओवरऑल गाड़ी देखने मिलती है। मतलब ब्रेकिंग अच्छी है, इंजन वाइज अच्छी है, कंफर्टेबल है और सिटी में भी आप बढ़िया से चला सकते हो। इसके जैसे एवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इजी टू हैंडल जो है आपको गाड़ी देखने को मिलती है। जैसे टर्न्स वगैरह हैं, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है। जो मेरी फर्स्ट इंप्रेशन है वो बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम मैं यहाँ एक्सट्रीम 125 जो आ रहा है उसको चला रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में भी ऐसा मेरे को कुछ अलग सा नहीं लगा कि अटपटा मैं क्या चला रहा हूँ यार ऐसे टाइप का। काफ़ी इजी टू हैंडल जो है आपको मोटरसाइकिल देखने को मिलती है। काफ़ी इजीली आप इसको टैकल कर पाते हैं, काफ़ी अच्छे से इसको आप समझ पाते हैं। हीरो अपनी जैसे इंजन रिलायबिलिटी के माना जाता है, अपनी हैंडलिंग वगैरह के लिए माना जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट देखने मिलती है हर एक चीज़। इंजन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़े देखने मिलते हैं। अच्छे से इसको काफ़ी अच्छे से जो है आउटपुट निकाल के देता है। काफ़ी अच्छे से इसको इंजन अपने आप एडजस्ट हो जाती है। ऐसे देख सकते हो यहाँ थोड़ी ट्रैफिक कंडीशन आप, मतलब थोड़ी ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया है, थोड़ी सी छोटी गली है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हैंडलिंग जो है देखने को मिलता है। मतलब हैंडलिंग में मेरे को कोई भी यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिल रहा। ब्रेकिंग सो डैम गुड मैन। मतलब अगर आप इसको हायर स्पीड पे भी चलाते हो ना तो ब्रेकिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलते हैं। स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है हायर स्पीड में भी, जैसे आपने देखा है पूरे वीडियोज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। सो गाइस, ये था कुछ हमारा आज का ड्राइव रिव्यू एक्सट्रीम 125R के ऊपर। कैसा लगा हमारा ड्राइव रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और जो संजय ऑटो बिलिया जो देखने मिल रही है इसमें ज़रूर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद शिवम टेक। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं।